गाइस, ये हमारी आउटडोर की आउटपुट है जो आउटडोर पे जा रही है, तो हम यहीं से कम्युनिकेशन देख लेते हैं। क्योंकि हमें हमारे को क्या होता है, मेनली हम जब भी कहीं जाते हैं और कम्युनिकेशन एरर मिलता है, हम सीधा आउटडोर में जाके चेक करते हैं। लेकिन अभी मेरे पास जैक खुले पड़े हैं, तो मैं इंडोर से आपको चेक करना दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास मल्टीमीटर अच्छा होना चाहिए, जिसका जो एरर है वो कम होना चाहिए। और आप मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे सेट करेंगे, देख लीजिए मैंने डीसी पे सेट करा है ये। और इसको हम एक प्रॉब को लगाएंगे हमारे फेस पे पहले तो, और दूसरी को लगाएंगे कम्युनिकेशन वायर पर। गाइस देखिए, हमें यहाँ इसका जो सिग्नल है मिल रहा है 18 वोल्टेज डीसी के आसपास ये निकाल रहा है, यानी कि हमारी जो कम्युनिकेशन वायर है वो दुरुस्त है। इसके अलावा हम दोबारा से इस जैक को प्रॉब्स को निकाल के अब न्यूट्रल टू कम्युनिकेशन चेक करेंगे कितनी वोल्टेज दे रहा है। गाइज आप देख सकते हैं ये जो हमारी वोल्टेज है 210-20-30 के आसपास अराउंड दिखा रहा है, जो कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो रही है, शायद घर में फ्लक्चुएशन है इसके कारण ही हो रहा है। और यानी कि हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे भी सिग्नल दुरुस्त है। अब गाइज एक चीज आप देख रहे होंगे कि मैंने इसकी आउटडोर की पीसीबी निकाली हुई है और इसमें कम्युनिकेशन एरर नहीं आ रहा है। तो मैंने इसकी पीसीबी में एक सर्किट बनवाया हुआ है पीसीबी वाले से, क्योंकि ये अब कभी कम्युनिकेशन एरर नहीं देगी, चाहे इसके साथ आउटडोर कनेक्ट हो चाहे ना हो। गाइज इसके अलावा हमारी ये इंडोर की पीसीबी हमें सिग्नल दे रही है, ऐसे ही आउटडोर की पीसीबी भी एक सिग्नल बनाती है और उसी वही सिग्नल ये वापस यहाँ से लेती है, उसके बाद इसे पता लगता आउटडोर भी प्रॉपर चल रहा है। उसके अलावा हमारी एक होती है मोटर। गाइज आपको कोई नहीं बताएगा कि मोटर कैसे चेक करते हैं, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो आज मैं मोटर को चेक करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो कम्युनिकेशन एरर है ना, मेनली मोटर के कारण आता है। और इस एरर को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मोटर खराब है पीसीबी, सिर्फ यही हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम कस्टमर के घर से सारी चीज खोलने से अच्छा उसे वहीं चेक करके मोटर खराब है तो मोटर अरेंज करें और पीसीबी खराब है तो पीसीबी का अरेंज करवाएं या पीसीबी का खर्चा बता सके। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मोटर चल रही है, अब मोटर कम्युनिकेशन एरर जनरेट करती है, वो कब जनरेट करेगी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब देखिए गाइज मैं आपको ये एक यूनिवर्सल वीडियो बना रहा हूँ जो कि सभी मॉडलों पे काम करेगी, सैमसंग हो, वोल्टास हो, एलजी हो, कैरियर हो, कोई भी ऐसी हो, उसमें कम्युनिकेशन एरर आता हो, मेरे इन मेथडों से आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोटर कम्युनिकेशन एरर जनरेट कब करती है। इसकी एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग को मैं बता देता हूँ आपको। ये कई बार 10 मिनट में, 5 मिनट में, 18 मिनट में, आधे घंटे में, 35 मिनट में, ऐसे ऐसे मॉडल वाइज ये अपना सिग्नल एक छोड़ती है इंडोर पीसीबी के लिए मोटर। अगर वो सिग्नल इंडोर पीसीबी को नहीं मिल रहा तो क्या होगा कि इस पे एक एरर आ जाएगा, कम्युनिकेशन एरर। और वो कम्युनिकेशन एरर हमारे एसी को बंद कर देगा। अब उस एसी के बंद होने के बाद कस्टमर परेशान होता है, हमें बुलाता है, हम चेक करते हैं, हम समझ नहीं पाते क्या करें, हम क्या करते हैं, इंडोर पीसीबी, आउटडोर पीसीबी, मोटर सेंसर, इसकी स्विंग मोटर सब कुछ खोल लाते हैं, सेंसर तक इवन A to Z खोल लाते हैं। और ये सब कुछ खोलना और लगाना, वापस कस्टमर के घर जाके लगाना और उससे पैसे लेना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आपको पता है मोटर ही खराब है, हम मोटर की रेट बताएंगे और मोटर का ही खर्चा लेंगे, इससे कस्टमर को भी सस्ता पड़ेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आपको मोटर को चेक करना आना बहुत जरूरी है। और मोटर चेक कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस देखिए, डीसी मोटर है, आप मोटर देख रहे होंगे, एलजी की है, उसमें 5 तारे आ रही हैं, येलो, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक, रेड। तो गाइस इन 5 तारों पे, येलो, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, रेड, इन 5 तारों में वोल्टेज चलती है। और कितने वोल्टेज चलती है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपकी मोटर चल रही है तो गाइस आपका न्यूट्रल फेस ठीक है, तभी ये मोटर घूम रही है और प्रॉपर आ रहा है। फिर भी मैं आपको इसका न्यूट्रल फेस चेक करके दिखा रहा हूं। गाइज न्यूट्रल फेस पे हमारी वोल्टेज जो आ रही है डीसी में 285
आ रही है। तो ये हमारी डीसी वोल्टेज है और मैं अब इसको चेक करने के लिए मैंने इसका जैक निकाल लिया है और इसकी सिर्फ वोल्टेज अगर आपने चेक करनी तो जैक भी निकाल सकते हैं, मोटर को चलता हुआ देख के भी आप कंफर्म कर सकते हैं मोटर की जो वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, पीसी में फॉल्ट है या मोटर में फॉल्ट है। तो अभी हमारी मोटर चल रही थी तो पीसी में फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन पीसीबी का फॉल्ट या मोटर का फॉल्ट हमें इन कनेक्शनों से पता लगेगा जो ये मैंने काटे हुए हैं। अब मैं इनको चेक करना बताऊंगा आपको। तो गाइज ये मेरी मोटर है और मोटर की मैंने पांचों वायर दिखा दिए है, रेड ब्लैक व्हाइट ब्लू येलो। अब मैं इस पे आपको वोल्टेज बताता हूँ। जो मोटर है डीसी मोटर है और 310 वोल्ट डीसी पे चलती है। तो सबसे पहले तो आपने रेड और ब्लू पे हमारे को कितनी वोल्टेज मिल रही है ठीक है वो नोट करनी है। ठीक है, अभी हमारे को इस मोटर में 290 मिल रही है, मैंने चेक कर लिया और मैं अभी आपको चेक करवा चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको इनका कम्युनिकेशन दिखाऊंगा सिग्नल किसे करते हैं। फिर हमारे पास है ब्लू व्हाइट, फिर हमारे पास है येलो व्हाइट, फिर है येलो और ब्लू। ठीक है गाइज, हमारी ये चार हमें वोल्टेज मिलेंगी जिसको हमने समझना है। तो इसमें जो सिग्नल आता है ना वो हमारा आ रहा है ब्लू और व्हाइट के बीच, ब्लू और व्हाइट, ये हमारी जो सिग्नल वायर है जो हमें कम्युनिकेशन है जो हमारे वापस जा रहा है। तो कम्युनिकेशन कितना जा रहा है मैं आपको इसमें बता देता हूं। और जो हमारे इसमें ये व्हाइट है ना, ये हमारा ग्राउंड है। ये हम इसे ग्राउंड क्यों बोलते हैं, इसे लॉजिक क्यों बोलते हैं, इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वायर से ही हमारे इनके बीच का रिलेशन चेक होगा। अब मैं यानी कि हमें ब्लू व्हाइट और येलो व्हाइट के बीच का रिलेशन चेक करा देता हूँ। अभी मोटर लगी हुई है और ये मोटर चल रही है तो मैं आपको भी हमने सबसे पहले देखना है ब्लू और व्हाइट पर। तो हमारा ब्लू और व्हाइट का मैं आपको दिखा देता हूँ कितना वोल्टेज आ रही है। गाइस 7 वोल्ट के अराउंड आ रहा है, तो यहाँ 7 वोल्ट डीसी लिख लेते हैं और येलो और व्हाइट के बीच देखना हमने। अब देख लीजिए ये 8 और 9 वोल्टेज के बीच आ रहा है, कनेक्शन दिखाना। येलो व्हाइट पे मैंने इसकी प्रॉब्लम लगाई है तो हम इधर 9 वोल्ट डीसी लिख लेते हैं। अब हमारा रह गया येलो और ब्लू, येलो और ब्लू पे मैं दोबारा से एक चेक कर लेते हैं। येलो ब्लू पे 1 वोल्ट डीसी, एक सेकेंड। गाइस ये येलो और ब्लू पे हमारा जो वोल्टेज आ रही है अराउंड 4 पॉइंट समथिंग आ रही है, यानी कि 5 से लेके हमें 1 तक मिल सकती है। मोटर की स्पीड पे डिपेंड करता है, मोटर की स्पीड जितनी ज्यादा होगी और उतना ही कम हमें वोल्टेज मिलेगी। तो अभी हमारी 4 आ रही है क्योंकि मोटर की स्पीड अभी कम है, अभी धीरे धीरे ये स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इन्वर्टर एसी है, अपने आप ही स्पीड को ये सेट करता है। तो अब मैं आपको इधर इसकी वोल्टेज लिख देता हूँ, यानी कि 4.20 वोल्टेज डीसी आ रही थी। ये हमारे पास हमेशा 1 से लेके 5 वोल्टेज रहेगी येलो और ब्लू, और जो हमारी ये है ये हमारी 5 से 12 वोल्टेज और ये हमारी 5 से 18 वोल्टेज तक मिल सकती है। तो गाइस इस सिनेरियो को ध्यान में रखना और ये हमारी 270 से लेके 310 वोल्टेज डीसी मिल सकती है। ये हमारी वोल्टेज वेरिएशन है, इतनी वोल्टेज हमें डिपेंड करता है सेंसर कितनी इसको वोल्टेज दे रहा है और कितनी इसे वोल्टेज रिक्वायर्ड कर रहा है। तो गाइस इस तरीके से अगर आप मोटर चेक करना सीख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एरर क्या है। एक चीज और गाइस, जो मोटर कई बार सेट होता है इसने इसको कमांड देनी है, आधे घंटे के लिए चल रही है तब मोटर बंद हो रही है, सिर्फ मोटर बंद हो रही है, इंडोर मोटर बंद हो रही है, उसके बाद कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, तो भी आपकी मोटर ही खराब होगी क्योंकि वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगी और मोटर चल भी रही होगी और ये सारे सिग्नल भी मिलेंगे और आधे घंटे में मोटर हीट अप होके खराब बंद हो जाएगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में कम्युनिकेशन एरर पे इतना ही था। आपके सामने कोई भी एसी हो सिर्फ यही चीजें चेक करनी है और चेक करने का तरीका आपको पता लग गया है। उसके अलावा गाइस ये जो मल्टीमीटर है आप देख रहे हैं एचटीसी का है, बहुत ही बढ़िया मल्टीमीटर है और कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा अभी बीप करके बंद हो गया है।
और ये अपने आप ही आपकी बैटरी सेव भी करता है, बंद भी हो जाता है। इसमें आप कई चीजें चेक कर सकते हो। आपको ये डायोड का साइन दिख रहा है, इसमें हम डायोड चेक कर सकते हैं, इसमें हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसमें हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, नॉन कनेक्टिंग वोल्टेज चेक कर सकते हैं, दीवार पे अपने वोल्टेज चेक करने वो भी चेक करके बता देगा ये। लाइक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, देखिए गाइस ये बीप भी करने लगी हो और एक लाइट ब्लिंक करने लगी है। अगर ये किसी वोल्टेज के पास आप काम कर रहे हैं, मान लो दीवार में ड्रिल करनी है और ड्रिल के टाइम आपने चेक कर सकते हैं उसके पीछे सप्लाई तो नहीं है कोई। इसके अलावा एक इसमें और ऑप्शन है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ, NF यानी कि आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपके कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। और कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेक करने का फायदा ये रहता है, कई बार हमारे आउटडोर ट्रिप हो रहे होते हैं और हमने चेक करना होता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं कैपेसिटर खरीद के डाल के ट्राई करते हैं कि कैपेसिटर चल रहा है, कैपेसिटर से चल जाएगा कि नहीं। उससे अच्छा तो एक आपके पास ऐसा मल्टीमीटर हो और उससे आप कैपेसिटर चेक कर लें ताकि आपका काम भी इजी हो जाए। तो इस मल्टीमीटर को आप खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे जाके अमेजोन से जाके इसे सीधा बाय कर सकते हैं और कॉस्ट भी आपको वही मिल जाएगी, कि कॉस्ट वेरिएशन रहती है, अप डाउन होती रहती है गूगल अमेजोन पे। तो बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है, मैं पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, जब से मैंने खरीदा मुझे बहुत फायदा हुआ काम करने में। गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था।